నమస్కార్. ఏ కబడ్డీ అడ్డా, మేము కోచ్ జగదీష్ కుంబ్లే. మే కబడ్డీ కా కుచ్ ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ బతానే జా రహా హూం. యాంకిల్ హోల్డ్ వహీ హై జబ్ రైడర్ బోనస్ డాలతా హై తో డిఫెండర్ యాంకిల్ హోల్డ్ కర్తా హై. దూసరా సేమ్ కిసీ భీ రైడర్ కిసీ భీ డిఫెండర్ కో హాత్ లగాతా హై तो वहाँ पे भी एंकल होल्ड हो सकता है. ज़्यादा से ज़्यादा ये एंकल होल्ड राइट कॉर्नर राइट इन या लेफ्ट कॉर्नर लेफ्ट इन, इन्हीं जगह पे ज़्यादा होता है. इसके अलावा एंकल होल्ड होता है जो राइडर रनिंग बोनस करता है कहीं भी बीच में, उसमें भी कर सकता है, या फिर किसी को जाके हैंड टच करता है, ये हो सकता है. एंकल होल्ड का ज़्यादा वेरिएशन कुछ नहीं है. एंकल होल्ड एक ही है, उसमें हम एंकल को पकड़ने का तरीका होता है. एक हाथ में उसका पंजा का पास रहेगा, दूसरा गट्टा पे रहेगा, जो अपना एंकल बोलते हैं, एंकल का जो मेन उसमें रहेगा, वही परफेक्ट है. उसमें पकड़ने के बाद वो छूटते नहीं. दूसरा थोड़ा सा हमारा स्पीड में ही थोड़ा एंकल चेंज हो गया, वो छूट जाएगा. तो एंकल होल्ड एक ही जगह पे होता है, एक ही साइज़ का होता है, उसमें कोई ज़्यादा वेरिएशन वैरायटी कुछ नहीं आता. लेकिन एंकल होल्ड करते टाइम हम कोई कोई घुटना से नीचे हाथ लगा के नीचे तक ले जाता है, वो नहीं है, वो गलत है. एंकल होल्ड वही कर सकता है उसको गट्टा पे, गट्टा बोलते हैं उसी जगह पे, एक हाथ रहेगा एक हाथ पंजा पे रहेगा, ये एंकल होल्ड. एंकल होल्ड कब करते हैं और ज़्यादातर कहाँ होता है, ठीक है, ये अभी देखते हैं करेंगे. एंकल सबसे पहले राइडर बोनस मारता है, बोनस डालता है, तब हो जाता है. उसका अलावा अगर राइडर डिफेंडर को हैंड टच करके हैंड टच करता है तब उसका स्टैंड में गलत है, तब एंकल होल्ड हो जाता है, ठीक है. अब सबसे ज़्यादा होता है कॉर्नर पे. राइडर जब पूरा राइड करके तक जाता है, उसके बाद वो गलत जगह पे कॉर्नर का सीधा सीधा बोनस मारता है, तब एंकल होल्ड होता है. तो एंकल होल्ड कैसे करते हैं अब दिखाएंगे, ठीक है. ये जब बोनस डालता है तब एंकल होल्ड होगा. एंकल होल्ड करते टाइम एक हाथ गट्टा पे, दूसरा पंजा पे. एक इसमें एंकल होने के बाद मजबूत हो जाएगा, इसमें रिलीज नहीं हो सकता, ठीक है. तो बेंडा दिला तिरते दिला, जैसे एक हाथ इधर होगा एक हाथ यहाँ पे, फिर दूसरा एंकल होल्ड होते पूरा ऊपर उठाना चाहिए. उठाएंगे तो क्या होगा, अगर इतना ही करेगा तो वो किक मारेगा या फिर रिलीज होगा. ये पकड़ते उठाएगा तो उसका बैलेंस अनबैलेंस होगा, ठीक है. तो एंकल होल्ड जिस भी कोई भी डिफेंडर का सामने, खास करके सेकंड में भी होल्ड हो सकता है. कैसे, वो ऐसे रहेगा, ठीक है. तब तो यहाँ पे अगर डालता है तब भी ले सकते हैं. क्लियर.